आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, आज हमें करना है परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। तो देखो क्वेश्चन है, रमेश हैज 20% सेविंग विद हिम फ्रॉम हिज मंथली सैलरी। उसके पास सेविंग कितनी है? 20% है। इफ़ एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग इज 25% ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर। देखो जिसका एक्सपेंडिचर है वो क्लोथिंग पे है, जो कि 25% है पूरे एक्सपेंडिचर का, एंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट क्लोथिंग इज 7200। और उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है क्लोथिंग को छोड़ के वो 7200 है। देन फाइंड हिज सेविंग। तो ये बोल रहा है कि फिर इसकी सेविंग पता करो। तो पहले हम मान लेते हैं, लेट हिज इनकम बी 100 यूनिट, ठीक है, जिसमें से बोल रहा है कि उसका 20% सेविंग है। तो अगर हम 20% निकालते हैं 100 का, तो मतलब उसकी सेविंग कितनी हो गई? 20 यूनिट हो गई। मतलब उसके खर्चे कितने हैं? 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो उसके एक्सपेंडिचर निकल जाएंगे, जो कि 80 यूनिट निकलेगा। तो देखो क्या लिखा है, इफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग इज 25% ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर, मतलब जो उसका क्लोथिंग पे खर्चा है वो 25% है टोटल खर्चे का। तो क्लोथिंग का खर्चा उसका कितना है? क्लोथिंग एक्सपेंडिचर है उसका 25% ऑफ 80 ओवरऑल एक्सपेंडिचर, जो इसका हमने यहाँ निकाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/4 और ये चला जाएगा 20। तो इसका क्लोथिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो आ रहा है हमारे पास 20 यूनिट, ठीक है। लिखा है एंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट क्लोथिंग इज 7200। और उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, हम क्लोथिंग को हटा के बात कर रहे हैं, वो है 7200। उसका ओवरऑल एक्सपेंडिचर आया कितना था? 80 आया था, 80 यूनिट है, जिसमें से हम क्लोथिंग का एक्सपेंडिचर हटा रहे हैं। क्या लिखा है देखो, सेंटेंस को बार बार पढ़ना है। इसमें लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट क्लोथिंग इज 7200, मतलब कि ओवरऑल में से आपको क्लोथिंग का इसका एक्सपेंडिचर हटाना पड़ेगा। क्लोथिंग का एक्सपेंडिचर कितना है? 20 है, तो 20 यूनिट हटाओगे। क्या लिखा है आगे, इज 7200। मैथ्स में जो इज होता है वो इक्वल टू के बराबर होता है, तो इज इक्वल टू 7200, ठीक है, ये 7200 के इक्वल है। तो देखो 60 यूनिट आ रहा है 7200 के बराबर, ठीक है। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 7200 अपॉन 60 के, 00 कट गया। उसके बाद 2 3 6, 1 2 6 और ये 0, ये हो जाएगा 120, ठीक है, ये एक यूनिट की वैल्यू आ रही है। इसने क्या बोला है, फाइंड हिज सेविंग, इसकी सेविंग पता करो। तो सेविंग कितनी है? देखो यहाँ जो हमने निकाला है वो रुपीज़ में निकाला है, ठीक है। 7200 हमारे पास क्या था? रुपीज़ में था। और फिर हमने क्या किया है, इसका रेशियो के हिसाब से निकाला है। मतलब एक यूनिट 7200 को रिप्रेजेंट, मतलब 60 यूनिट 7200 को रिप्रेजेंट करी थी, तो हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली है। सेविंग है 20 यूनिट, तो 20 × 120 करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसकी सेविंग पता चलेगी। 120 × 20 करते हैं, 0 0 0, अगेन 0, 2 2 4 और ये 2, तो 0 0 4 2, 2400 आ रहा है इसका सेविंग। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर, 2400। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर था। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।